तो दोस्तों हम लोग अब है भूमकर चौक में। यू कैन सी दिस इज भूमकर चौक। अदर साइड ऑफ द रोड इज चिंचोड़ गांव एंड दिस साइड ऑफ द रोड इज हिंजौड़ी। ओके, ये साइड हिंजौड़ी है एंड दिस साइड इज अ चिंचोड़ साइड। ये साइड पूना एंड दिस साइड इज मुंबई। तो ये स्पॉट से हम लोग जो अभी आज 1 and 2 BHK प्रोजेक्ट देखने के लिए जा रहे हैं, तो फ्रॉम दिस स्पॉट भूमकर चौक का ये स्पॉट से अराउंड 1.2-1.3 किलोमीटर पे अपना प्रॉपर्टी है 1 BHK and 2 BHK। तो चलो जाके देखते हैं कि प्रॉपर्टी कैसा है। एंड वन मोर स्पॉट वेयर आई विल टर्न इनसाइड इन फ्रंट ऑफ डेकेथलॉन, दैट स्पॉट आल्सो आई विल स्टॉप देयर एंड आई विल शो यू कि कहाँ है प्रॉपर्टी। ओके चलो, तो जस्ट टू शो यू दिस साइड इज जिंजर होटल। तो जिंजर होटल के जस्ट पास जो है वो भूमकर चौक है। भूमकर चौक से मे बी 200 मीटर्स टूवर्ड्स मुंबई ये लोकेशन है एंड वहाँ से दिस इज मुंबई पुणे हाईवे। दिस साइड इज पुणे साइड एंड दिस साइड इज मुंबई साइड। ओके, ये जो आपको दिख रहा है विजन वन डेकेथलॉन जो है डेकेथलॉन, तो डेकेथलॉन के एग्जैक्टली सामने अपना एंट्री है और यहाँ से जो अपना स्कीम है वो जस्ट 0.8 किलोमीटर दूरी पे है। तो चलो अभी वो स्कीम पे चलते हैं। दिस इज अ 1 BHK and 2 BHK स्कीम अगेन, 40 लाख आई थिंक प्राइस, आई डोंट रिमेंबर नाउ। तो 1 BHK and 2 BHK स्कीम है, तो चलो देखते हैं। वहाँ जाने के बाद मैं प्राइस, कारपेट एरिया एंड ऑल द डिटेल्स आई विल टेल यू व्हेन आई रीच टू द प्रॉपर्टी। चलो हेलो दोस्तों, मैं हूं महेश फिंटरस्ट इंडिया से। आज मैं आया हूं वाकड़ में एक स्कीम देखने के लिए। सो दिस इज अ 1 BHK and 2 BHK स्कीम। राइट नाउ आई एम ऑन द 5th फ्लोर ऑफ द प्रॉपर्टी। ये 14 फ्लोर वाला प्रोजेक्ट है। पहले जो 2 फ्लोर्स है वो रहेंगे पार्किंग। ओके, एक ही सिंगल बिल्डिंग है। दिस इज इन 0.74 एकर्स के अंदर एक ही सिंगल बिल्डिंग है एंड इट हैज़ गॉट 112 यूनिट्स, 14 फ्लोर्स। हर फ्लोर पे रहेंगे 8 फ्लैट्स। ओके, सो टोटल 112 यूनिट्स रहेंगे। दिस प्रोजेक्ट इज रेरा अप्रूव। ये वाकड़ से जो भूमकर चौक है, तो भूमकर चौक से ये आता है अप्रोक्सीमेटली 1.2 किलोमीटर्स। सो इट इज़ वेरी क्लोज टू द भूमकर चौक, सो कनेक्टिविटी इज़ वेरी गुड। अक्षरा इंटरनेशनल स्कूल जो है ये इस प्रोजेक्ट के बहुत ही पास है। ये जो 1 BHK and 2 BHK यूनिट्स है, सो इसका जो एरिया है, कारपेट एरिया मैं बता दूँ, 510 स्क्वायर फुट स्टार्ट होता है, 768 स्क्वायर फीट पे तक मिलता है 1 and 2 BHK। 510 स्क्वायर फीट 1 BHK and 2 BHK 768 स्क्वायर फीट तक आता है। प्राइजेस इसका है 45 lakhs to 73 lakhs। ओके, एंड ये रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है, तो जो डेट है, जो आपके एग्रीमेंट के ऊपर जो डेट आएगा, दैट डेट विल बी जुलाई 2023 पोजीशन के लिए। ओके, सो आपको क्लोज कार पार्किंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है। सो व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल गो टू एक कंस्ट्रक्शन, थोड़ा मैं दिखा दूंगा। ये आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन तो ऑलरेडी चालू है, फिफ्थ फ्लोर है जैसे मैंने बताया। एंड जस्ट हैव अ व्यू आउट, यू नो, माउंटेन्स आपको दिखाई देंगे यहाँ। आई डोंट नो सनलाइट है तो कितना क्लैरिटी है, बट दीज आर द माउंटेन व्यूज एंड नियर बाय बिल्डिंग्स ऑलरेडी देयर। तो ये डेवलप हो रही है ऐसे लोकेलिटी में है। सो वॉट विल डू, विल गो टू अ फ्लैट जो कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो मैं थोड़ा सा लेआउट वगैरह दिखाने की कोशिश करूँगा। ओके चलो, जस्ट आई विल ट्राई टू शो अराउंड कैसे दिख रहा है लोकेशन। देर आर बिल्डिंग्स क्लोज बाय, डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट चल रहा है यहाँ। तो अभी हम लोग 5th फ्लोर से हम लोग नीचे चलते हैं। लेट्स सी, यहाँ कुछ काम बहुत ज़ोरों से चल रहा है ऐसा दिख रहा है। सो लेट्स मी गो टू वन
फ्लैट विच इज अंडर प्रिपरेशन, ऐसा सैंपल फ्लैट वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ मुझे, बट ओके लेट्स सी। हाँ फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हम लोग, सी फर्स्ट फ्लोर। तो एक फ्लैट के अंदर जाके देखते हैं हम लोग, हाउ इज द लेआउट। ओके सो दिस इज हॉल, हॉल का साइज 16.6 by 10.6 फीट है, उसको अटैच टेरेस रहेगा, टेरेस विल बी 10 by 8 फीट टेरेस। दिस इज अ व्यू, जस्ट बाहर का व्यू मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज किचन, किचन का साइज 8 by 8 है एंड किचन को जो ड्राई बालकनी है वो 8 by 4 का है, यू कैन सी 8 by 4 ड्राई बालकनी अदर कंस्ट्रक्शन। सो दिस इज अ किचन अगेन 8 by 8 ड्राई बालकनी हो गया। हम लोग हॉल में से अभी जा रहे हैं हम लोग बेडरूम में, सो दिस इज अ बाथरूम, कॉमन टॉयलेट, दिस इज चिल्ड्रंस बेडरूम। तो चिल्ड्रंस बेडरूम जो है वो साइज है 10 by 10, सो ये जो फ्रंट साइड वाला फ्लैट है उसको चिल्ड्रन बेडरूम को डायरेक्टली फ्रंट एज मिल रहा है, बाहर का व्यू मिल रहा है उसको। आगे के साइड में काफ़ी जगह छोड़ी है बिल्डर ने, सो आई थिंक देर विल बी सम गार्डन और समथिंग लाइक दैट डेवलपमेंट। तो ये चिल्ड्रन बेडरूम, ये उसका टॉयलेट है। नाउ दिस इज मास्टर बेडरूम, ये 13 by 10 का है, 13 by 10 मास्टर बेडरूम एंड उसको जो टॉयलेट है अगेन अंडर कंस्ट्रक्शन, काफ़ी काम चल रहा है। एंड मास्टर बेडरूम को जो टेरेस रहेगा वो 10 by 6 का रहेगा, सो दिस इज अ टेरेस। तो दिस फ्लैट आई लाइक एक्चुअली, ये कॉर्नर वाला है और यहाँ से जो आपको व्यू दिखाई देगा, जस्ट सी द बिल्डिंग्स, काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है नियर बाय। एंड अगेन आई सेड दिस इज जस्ट 1.2 किलोमीटर्स फ्रॉम द बुंकर चौक, सो प्रॉक्सिमिटी इज वेरी गुड, कनेक्टिविटी इज वेरी गुड। This is like a duct. Duct दिखाई दे रहा है मुझे एंड दिस लुक्स टू मी अ लिफ्ट का जो स्लॉट छोड़ा गया है। दिस इज अनदर फ्लैट अगेन, अनदर साइड ऑफ द लॉबी चलते हैं जस्ट टू हैव अ लुक की। ओके अगेन ये डक्ट है सेंटर में तो अच्छा है। This is other side again, same layout, mostly all the flats have got same layout. Just ये side में view कैसा है देखते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के क्वार्टर्स दिख रहे हैं एंड यू नो बहुत सारी बिल्डिंग्स ऑलरेडी बन चुकी है। थोड़ा सा मैं बाहर से भी दिखाऊंगा एंड देन आई विल आल्सो शो द अप्रोच रोड। अप्रोच रोड इज कम्प्लीटली टार डेवलप्ड, फुली डेवलप्ड है, थोड़ा बारिश की वजह से खराब हुआ है बट द रोड इज ओके, नो प्रॉब्लम, मीन्स कंस्ट्रक्शन वापस रोड बन जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, टार रोड है पूरा। तो दूसरे साइड से मैं बाहर आ गया हूँ, जस्ट आई विल शो यू द बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन इज इन फुल स्विंग,
देख सकते हैं आप। तो इनका जो जुलाई 2023 का डेट है वो बीट होने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे, नो प्रॉब्लम।